मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्तिक महातम अध्याय 10। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक, सुनू तो पार लग जाए। राजा प्रथु ने कहा, हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है, शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। फिर नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसीलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी देवताओं का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुरवाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर देत्यों का राजा हो गया। जय श्री राधे। अध्याय 10 समाप्त।